नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू नेचुरोपैथी के छात्रों ने 2 सूत्री मांगों के समर्थन में सेंट्रल ऑफिस पर किया धरना प्रदर्शन। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की सफलता हेतु काशीवासियों ने की प्रार्थना। नैपुरा क्षेत्र में आयोजित फ्री शील्ड कबड्डी एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पूर्व विधायक अजय राय ने की शिरकत। और बाबा विश्वनाथ के पूजन के साथ राम मंदिर निर्माण हेतु निधि संग्रह अभियान की हुई शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। राम मंदिर निर्माण हेतु विश्व हिंदू परिषद द्वारा बाबा विश्वनाथ का पूजन कर निधि संग्रह अभियान की शुरुआत की गई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाकर निधि संग्रह की शुरुआत की। इस अवसर पर बाबा का विधिवत पूजन अर्चन कर निधि संग्रह अभियान की पहली रसीद अर्पित की गई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि 25 करोड़ रुपए की धनराशि एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व हिंदू परिषद के सभी जो पदाधिकारीगण हैं और कार्यकर्ता हैं, वह सब आकर के भगवान विश्वनाथ के दरबार में, चूँकि यह जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान का शुभारंभ हो रहा है काशी से, तो सर्वप्रथम देवाधिदेव महादेव के दरबार में यहाँ सब उपस्थित होकर के और यह प्रार्थना करके कि यह अभियान सफल हो और अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है उसमें जन जन की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसी निमित्त आज आ करके भगवान विश्वनाथ के यहाँ पूजन करके और प्रार्थना करके इस अभियान का श्री गणेश करने जा रहे हैं और इसी निमित्त सब यहाँ पर उपस्थित हैं और बाबा के दरबार में हाजिरी लगा करके मंगलाचरण पूर्वक उनसे प्रार्थना करके इस अभियान का श्री गणेश करने जा रहे हैं। बिल्कुल, सब हर जन जन की इसमें भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और बाबा विश्वनाथ के दरबार में आकर के उन्होंने सब लोगों ने मिल करके समवेत रूप से प्रार्थना पूर्वक उनसे आशीर्वाद लिया है। यह जो अभियान का श्री गणेश काशी से होने जा रहा है, क्योंकि रामः परशिवो देवः, भगवान शिव के बिना राम अधूरे हैं और राम के बिना शिव, तो दोनों का तादात्म्य स्थापित करने के लिए आज भगवान विश्वनाथ से आशीर्वाद लेकर के और इस अभियान का श्री गणेश करने जा रहे हैं। नारियल का क्या महत्व है महाराज? यह श्रीफल है नारियल, और श्रीफल का मतलब होता है सर्वविध कल्याण और सर्वविध मंगल, तो यह मंगलकारक होता है। जब किसी भी हम धर्माचरण में प्रवृत्त होते हैं तो श्रीफल का प्रयोग किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है कि हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो और सब कार्य सफल हो। आज 15 जनवरी को पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह समर्पण निधि के लिए आज प्रारंभ किया जा रहा है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, इसलिए भोले बाबा के शरण में जा करके हम लोग जो है रसीद चढ़ाए और उनसे आशीर्वाद लेकर के इस अभियान का शुभारंभ आज होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी कहे कि हमारे आराध्य शंकर हैं और भोलेनाथ कहें कि राम में ईश्वर हैं, दोनों एक दूसरे को ईश्वर मानते हैं। आज महाअभियान का शुरुआत इस काशी की धरती से भोलेनाथ के आशीर्वाद से बाबा भोलेनाथ के चरणों में हम लोग अर्पित किए और आज जो प्रारंभ होने जा रहा है इस देवभूमि में इतिहास दोहराने जा रहा है। हमारे यहाँ आज हम लोग विश्व हिंदू परिषद रसीद और कूपन लेकर के वहाँ पर अर्पित किए। पूरे महानगर में 1500 टोलियाँ बन चुकी हैं। ये 1500 टोलियाँ विशेष और अति विशेष लोगों की संपर्क सूची तैयार हो चुकी है। आज संपर्क करने के लिए, उनसे समर्पण निधि लेने के लिए ये टोलियाँ अपने पालक के साथ उनके पास जाएंगी।
कोतवाली पुलिस ने 4 अभियुक्तों को चोरी के 2 पहिया वाहन के साथ गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाने की पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार पांडे ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 5 व्यक्ति चोरी के 2 पहिया वाहन, 1 स्कूटी व 1 मोटरसाइकिल के साथ अग्रसेन इंटर कॉलेज के समक्ष मौजूद हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 टीमें बनाकर पुलिस मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची, जहां अभियुक्त पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस टीम ने बल प्रयोग करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 1 अभियुक्त फरार हो गया। इनके पास से 3 चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद हुए हैं। ये वाहन चोरों का एक गैंग पकड़ा गया है। इसका ठीक सफल अनावरण हुआ है, जो ये लगातार वाहन चोरी की घटनाएं कोतवाली यहाँ थाना क्षेत्र में हो रही थी, उसी को लेकर कप्तान साहब और मतलब एसपी सिटी साहब के आदेशानुसार एक टीम का गठन किया था। और आज सुबह जैसे सूचना मिली मतलब मुखबिर खास से सुबह कि अग्रसेन तिराहे के पास कुछ लड़के खड़े हैं और उनके पास ये अब तो संभावित है कि कुछ चोरी के वाहन भी हैं, उसमें जब उनकी घेराबंदी की गई टीम के द्वारा तो वो लोगों ने वहाँ से भागने का प्रयास किया और बुला नाला से उनकी गिरफ्तारी हुई। कुल ठीक है 4 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें से 2 अब तो थाना चौक के रहने वाले हैं और 2 मतलब कोतवाली अंतर्गत उनका आवास है। और इनके पास से 1 एक्टिवा मोटरसाइकिल और 1 अपाचे अब तो मौके से मिली है। उनके द्वारा बताया गया है कि ये दोनों वाहन अब तो चोरी के थे और इसके अलावा एक मतलब अन्य वाहन के बारे में इनके द्वारा बताया गया, जो कि मोटरसाइकिल हंक है और वो अब तो जौनपुर में ले जाकर उन्होंने मतलब बेचा है। इन तीनों के मुकदमे लिखे गए हैं और अभी इनसे मतलब और गहनता से विवेचना की जाएगी, जांच की जाएगी तो इसमें और भी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। बीएचयू नेचुरोपैथी के छात्रों ने 2 सूत्री मांगों के समर्थन में सेंट्रल ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। बीएचयू के बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस के छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने हाथों में विभिन्न स्लोगन लिखी तख्तियां लिए नारेबाजी कर रहे थे। वहीं छात्र अश्विन कुमार मिश्रा ने बताया कि हमारी पहली मांग है कि हमारी इंटर्नशिप 9 महीने की हो, जिसमें बाल रोग, आपात चिकित्सा, शल्य डिपार्टमेंट इत्यादि विभागों में हमारी ड्यूटी लगाई जाए। साथ ही हमारी दूसरी मांग है कि हमें भत्ता दिया जाए। उनका कहना था कि MBBS और BMS के इंटर्न छात्रों के बराबर ही उनसे भी काम लिया जाता है, लेकिन उन्हें भत्ता नहीं दिया जाता है। उनका कहना था कि पूरे देश में जितने भी नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज हैं, हर जगह छात्रों को भत्ता दिया जाता है। हमारी मेन 2 मांगे हैं। एक तो हमारी ये इंटर्नशिप पोस्टिंग जो 6 महीने की अभी तक हो रही थी, उसे हम 9 मंथ एक्सटेंड कराना चाहते हैं। टोटल हमारी पोस्टिंग होती है 12 मंथ की, 3 महीने नेचुरोपैथी के इंस्टीट्यूट में होती है, बाकी आयुर्वेद संकाय और मॉडर्न मेडिसिन के संकाय में होती है। तो हमारी अभी तक यहाँ पे क्या होता था, 6 महीने की पोस्टिंग्स होती थी SS हॉस्पिटल में। अब हम चाहते हैं कि हमारी 9 महीने की यहाँ पे इंटर्नशिप हो और 3 महीने की कोई भी इंस्टीट्यूट हमें कराती है नेचुरोपैथी, वो हम बाहर जाते हैं, वहाँ से करके आते हैं। तो हमारी ये मांग है कि 9 मंथ का इसे बढ़ाया जाए और अदर इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो जो डिपार्टमेंट्स में अदर इंस्टीट्यूट्स में होती है, वो डिपार्टमेंट्स में हमारी यहाँ पे नहीं होती है। तो हम उसी की मांग है, हमारी 4 डिपार्टमेंटों की मांग है, 1 बाल रोग में, 1 शल्य तंत्र में, मानस रोग में और इमरजेंसी मेडिसिन में, कैजुअल्टी मॉडर्न मेडिसिन में। तो ये हमारी एक मांग है। और दूसरी सबसे मेन मांग ये है हमारी कि हमें स्टाइपेंड नहीं मिलता है, भत्ता जो होता है वो नहीं दिया जाता है। जबकि हम वहाँ पे जब बैठते हैं हम इंटर्नशिप प्रोग्राम के दौरान पे, जब हम OPD में बैठते हैं, IPD में बैठते हैं, हम MBBS और BMS के जो इंटर्न छात्र हैं उनके साथ में ही काम करते हैं, उनके बराबर ही 8 से 10 घंटे काम करते हैं, वहीं पे 23,500 रुपये उन्हें मिलता है पर मंथ MBBS और BMS दोनों के छात्रों को। मगर यहाँ पे BNYS के जो छात्र हैं, मेडिकल छात्र हैं, इनको कोई भी स्टाइपेंड नहीं दिया जाता। हम विदाउट स्टाइपेंड के यहाँ पे इंटर्नशिप पोस्टिंग करते हैं 6 महीने की। तो हमारी ये मांग है कि ये दोनों चीज़ें हमारी पूरी की जाएं और हम इसके लिए 1 महीने से तत्पर लेटर्स दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट हमें सारी जगहों से सिर्फ आश्वासन ही मिला है। उसके बाद अब जाके हम, जब हमारी कहीं से भी नहीं सुनी गई, उसके बाद हम धरने पर बैठे हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम यहाँ पे। मैपुरा क्षेत्र में आयोजित फ्री शील्ड कबड्डी एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अजय राय ने शिरकत की। छात्र युवा कल्याण समिति द्वारा नैपुरा क्षेत्र में फ्री शील्ड कबड्डी एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अजय राय उपस्थित रहे। उन्होंने वॉलीबॉल खेलकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया तथा आयोजन समिति को भी ऐसे आयोजनों को आगे करते रहने की प्रेरणा दी।
प्रतियोगिता में जलेबी दौड़, सामान्य अध्ययन प्रतियोगिता इत्यादि का भी आयोजन किया गया है। इस मौके पर गौरव सिंह, प्रमोद कुमार वर्मा, चंद्रशेखर पटेल, विवेक पटेल, मुकेश कुमार सिंह, सुरेंद्र पटेल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडियन आर्मी डे के अवसर पर बीएचयू अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को सम्मानित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडियन आर्मी डे मनाया गया। इस अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन हुआ जिसमें बीएचयू अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार मेडिकल स्टाफ ने इस महामारी के दौरान अपनी परवाह किए बिना लोगों की सेवा की है, वो किसी भी योद्धा से कम नहीं है। आर्मी डे के अवसर पर हम इनका सम्मान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चयनित 6 स्थानों पर कल से टीकाकरण लगाया जाएगा। शनिवार से पूरे देश में कोविड 19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। वाराणसी में टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल 600 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा, जिसके लिए 6 सेंटर चयनित किए गए हैं। हर सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय लंका स्थित एक अस्पताल, राजकीय महिला चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, काशी विद्यापीठ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवापुरी में टीकाकरण अभियान के लिए स्थान चयनित किया गया है। वहीं महिला अस्पताल पर टीकाकरण की लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। इस अभियान की शुरुआत कल प्रातः 9 बजे होगी। वहीं वाराणसी जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने यह लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। वहीं टीकाकरण अभियान को लेकर काशी की जनता काफी उत्साहित है। लोगों ने मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। टीकाकरण अभियान को लेकर वाराणसी मंडल के अपर निदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य डॉक्टर एसके उपाध्याय ने बताया कि पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर को टीका लगेगा, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। आपको बता दें कि वैक्सीन पहले ही वाराणसी पहुंच चुकी है और तैयारियों में कोई भी कसर न रहे इसके लिए 2 बार पूर्वाभ्यास भी किया जा चुका है। इसी क्रम में सीएमओ डॉक्टर वीबी सिंह ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 16 तारीख को लगने वाले टीकाकरण के संबंध में संवाद करेंगे। वहीं महिला चिकित्सालय में 100 लोगों को जो टीका लगाया जाएगा उसमें सबसे पहला टीका सफाई कर्मियों को लगेगा। कल का हमारा टीकाकरण अभियान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किया जाना है और वाराणसी जनपद में 6 जगहों पर एक साथ ही टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, सूरा मेडिकल साइंसेज बीएचयू है, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है और 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काशी विद्यापीठ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवापुरी। इसमें कल कितने लोगों को टीका लगना है? प्रथम टीका किसे लगेगा? हर सत्र पर 100 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा और
इस तरह से 6 जगहों पर 600 लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। हर जगह पर हमारे जो वैक्सीनेटर्स हैं वो रिक्रूट किए जा चुके हैं, लाभार्थियों की सूची कोविन पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है और यहाँ पर जब टीका लगेगा उसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन रूम भी है और EFI रूम भी है, अगर कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो उसको भी रूम मैनेज करेंगे। पहला टीका किसको लगेगा? पहला टीका की शुरुआत नीचे सफाई कर्मी से शुरू होगा जो कि चिकित्सक करते हैं। ये कितने बजे से कल टीकाकरण शुरू होगा? कल तो 9 से 5 हमारे यहाँ टीकाकरण होगा। मदनपुरा चौकी इंचार्ज व कांस्टेबल पर अवैध वसूली किए जाने का आरोप लगाते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने SSP को ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा के नेतृत्व में SSP को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंप रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि मदनपुरा चौकी इंचार्ज शमशाद अहमद द्वारा आए दिन क्षेत्रीय दुकानदारों और व्यापारियों से अवैध वसूली का दबाव बनाया जाता है और गाली गलौज के साथ ही फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी जाती है। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि इनकी मिलीभगत से ऑटो स्टैंड भी अवैध रूप से है। इस बात का विरोध कई बार किया गया लेकिन ये स्टैंड नहीं हटाया जा रहा है क्योंकि यहाँ से मोटी रकम वसूली जाती है। समाजवादी पार्टी के दो दो बार के हमारे दल के पूर्व पार्षद रहे मदनपुरा के निवासी हाजी नासिर जमाल साहब हैं जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर दो दो बार जनप्रतिनिधि हुए मदनपुरा इलाके से। वहाँ मदनपुरा के चौकी इंचार्ज और पुलिस कर्मियों द्वारा आए दिन क्षेत्र में धन उगाही को लेकर, क्षेत्र में लोगों को धमकाने को लेकर तमाम तरीके की अनर्गल शिकायतें हमको प्राप्त होती रहीं। इसी संदर्भ में हमारे पार्षद हैं नासिर जमाल, उनसे आपस में परिजनों से आपस में झगड़ा हुआ था, मगर चौकी इंचार्ज मदनपुरा और वहाँ पर तैनात पुलिस कर्मियों ने जिस तरीके से अमानवीय हरकत किया, अमानवीय व्यवहार किया, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का काम किया, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इस संदर्भ में हम लोगों ने नगर पुलिस अधीक्षक से मिलकर 1 सप्ताह पूर्व नगर पुलिस अधीक्षक से हाजी नासिर जमाल के संदर्भ में मुलाकात किया था, मगर अभी तक कोई कार्रवाई परिलक्षित नहीं हुआ, जिससे आज हम लोगों ने आक्रोशित होकर आज हम लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक से हम लोगों ने मुलाकात किया और हमारे समाजवादी पार्टी के सभी पार्षद हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के सचेतक दल के नेता भी हैं और हम सभी पार्षद गणों के साथ महानगर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ आज हम SSP अमित पाठक से मुलाकात किए और हमने उनको सारा घटने के बारे में एक एक चीज़ प्रमुखता से संज्ञान में दिया और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी इस मामले को मैं जरूर चेकआउट करूंगा और इस पर कार्रवाई निश्चित होगी। उन्होंने हमको भरोसा दिया, विश्वास दिलाया और हम लोग जो है अब इंतजार करेंगे क्या कार्रवाई होती है। कार्रवाई किस तरह की चाहते हैं आप लोग? अब ये जांच करने के लिए उन्होंने कहा है जांच करवाते हैं, अब जांच के उपरांत जो सामने एविडेंस आएंगे परिलक्षित होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। चौकी इंचार्ज का नाम क्या है? चौकी इंचार्ज का नाम जो है शमशाद खान है। राम मंदिर निर्माण हेतु महापौर मृदुला जायसवाल ने 1 लाख रुपए का अनुदान दिया। रघुनाथ सेवा न्यास की ओर से महापौर मृदुला जायसवाल ने राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इस दौरान महापौर ने कहा कि यह अनुदान उनकी तरफ से नहीं बल्कि स्वर्गीय शंकर प्रसाद जायसवाल के परिवार जिन्होंने श्री रघुनाथ सेवा न्यास बनाया उनकी तरफ से है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय शंकर प्रसाद जायसवाल द्वारा किया गया बलिदान खाली ना जाए इसके लिए हम ये अनुदान कर रहे हैं। ये अनुदान मेयर की तरफ से नहीं, शंकर प्रसाद जायसवाल जी के जो परिवार है जिन्होंने श्री रघुनाथ सेवा जो न्यास बनाया है उसकी तरफ से है और इनका जो बलिदान शुरुआत हुई थी राम जन्मभूमि के आंदोलन से, ये उसके लिए एक बहुत छोटी सी जो एक अनुदान के रूप में हम लोग उनके एक याद में दे रहे हैं शंकर प्रसाद जायसवाल जी के, कि उनका जो बलिदान है वो खाली ना जाए और राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो आज एक स्वरूप ले रहा है राम मंदिर के रूप में, जिसमें हम लोग पूरे शहर से ये आग्रह करते हैं कि आप अपना अपना अनुदान इस राम मंदिर बनाने में करें और इसके लिए हम लोग पूरी आंदोलन के साथ ये काम करेंगे। धन्यवाद। कितने का अनुदान दिया है? 1 लाख का चेक दिया है।
रघुनाथ सेवा न्यास की तरफ से 1,01,000 रुपये। उन्होंने बहुत बलिदान दिया था, वो जेल तक गए थे इस राम जन्मभूमि आंदोलन में। और इससे ज़्यादा आपको मैं क्या बता सकती हूँ इतिहास, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ और हमारे बुजुर्ग ने क्या क्या किया है वो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, और जिसका स्वरूप आज हम लोग देखने को मिल रहा है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो कुछ किया उसका ये योगदान हमें एक फलस्वरूप हमें मिल रहा है कि राम जन्मभूमि जो मंदिर का स्वरूप ले रही है। ये वास्तव में ये धन संग्रह वाली विषय नहीं है, श्रद्धा की विषय है, भक्ति की विषय है, एक समर्पण की विषय है। तो मन के अंदर में सभी के समर्पण की भाव है, लेकिन समाज के अंदर में ऐसे जो प्रमुख व्यक्तित्व रहते हैं, कोई चिकित्सा क्षेत्र में रहता है, कोई विषय व्यवसाय के क्षेत्र में रहते हैं, कोई शिक्षा क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा नागरिक दृष्टिकोण से विचार किया जाए, आज भी महामहिम राष्ट्रपति जी महादेव के पास में भी कई बंधु गए हैं, सभी गवर्नर जी के पास में भी सभी प्रांत में गए हैं। ऐसे हमारा बनारस के हम सोचे कि हमारा यहाँ की श्रद्धा केंद्र भी है, प्रमुख व्यक्तित्व भी है, और सबसे बढ़िया है कि एक मातृशक्ति से है, तो इसलिए हम लोगों ने सब सोचे जितने भी राम भक्त हैं तो उनसे प्रारंभ किया जाए, तो यहीं से इस समर्पण का, भक्ति की समर्पण का प्रारंभ हुई है। इसलिए आप सभी को, मीडिया बंधुओं को धन्यवाद है। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की सफलता हेतु काशीवासियों ने ईश्वर से प्रार्थना की। वाराणसी में युवाओं ने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना की। शंख ध्वनि के साथ युवाओं ने पूरे देश में कल से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन की सफलता को लेकर भगवान से कामना करते हुए इस महामारी से मुक्ति की भी प्रार्थना की। जी आज हम लोगों ने देश में कोरोना महामारी जो फैला हुआ है, पूरा 2020 तो खराब हुआ, 2021 में जो हम वैक्सीन आया 16 जनवरी से जो लगेगा कल से, उसके लिए प्रार्थना दुआ किया भगवान से कि वैक्सीन सफल पूर्वक हो और पूरे देश से कोरोना मुक्त हो, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रार्थना किया है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल एप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महानगर जिला प्रभारी को फोन पर धमकी मिलने के संदर्भ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने SSP को ज्ञापन सौंपा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को SSP कार्यालय पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बताया कि पार्टी के महानगर जिला प्रभारी जागेश्वर राजभर के नंबर पर एक कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने अपना नाम डॉक्टर राकेश सिंह बताते हुए उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात कहते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया गया। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपते हुए इस बात को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की मांग की। वाराणसी SP महोदय जी से आज हम प्रार्थना पत्र दिए हैं। कल मेरे मोबाइल फ़ोन पर एक नंबर से जय भीम नाम बोलकर और मुझे धमकी दिया गया कि तुम नेतागिरी करते हो और तुम्हारी हेकड़ी फर्जी मुकदमे में फंसा कर तुम्हें बंद कर दिया जाएगा और तुम्हारे मोछे नोच दिया जाएगा। अभद्र मेरे जान माल का खतरा है। इसी संबंध में आज मैं वाराणसी
महोदय जी से मिलकर। ये धमकी क्यों दी गई, किसके द्वारा दी गई? देखिए, ये धमकी राजनीतिक प्रेरित किया गया है। इस धमकी राजनीति के तहत बीजेपी के नेताओं द्वारा ये दिया गया है। क्या क्या बात को धमकी दी गई, क्या ऐसा करने जा रहे थे कि धमकी मिली? ऐसा देखिए, महाराजा सुहेलदेव राजभर पार्क में, जैसे कि हम लोग के शिवपुर के विधायक हैं, शिवपुर के विधायक माननीय अनिल राजभर जी हैं, और यहाँ के शहर उत्तरी के विधायक रविंद्र जायसवाल जी हैं, सूबे के दोनों उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, और कल इन्होंने शिलान्यास किया जिसमें महाराजा सुहेलदेव पार्क में भूमि निर्माण के लिए वहाँ पे शिलान्यास किया। और उस पार्क ऑलरेडी छोटा है, उस ग्राउंड जो बगल की जमीन है नगर निगम की है, उसमें हम लोग की मांग थी कि उसमें वहाँ पे बनाया जाए, और उसमें भूमि बनाया जाए, उसमें निर्माण किया जाए, उसमें लाइब्रेरी की व्यवस्था किया जाए, और जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो पार्क है उसमें सुंदरीकरण कर बैठने उठने की व्यवस्था किया जाए, ताकि ये पर्यटक क्षेत्र है जिसमें सारनाथ में आते हैं, और जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की प्रतिमा है, उस प्रतिमा पे अगर वहाँ पे भूमि निर्माण होता है, वहाँ पे मकान बनता है, कार्यालय बनता है, तो एक तरह से जो हम लोग के महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का स्मारक है, मूर्ति है, उनका कद छोटा करना के बराबर है। ये अपमानजनक है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसका विरोध करती है। सीधा सीधी भाजपा के आरोप लगा रहे हैं, भाजपा के वो कौन लोग हैं जिन जी? देखिए, ये एक फोन के द्वारा आया था, मैं उसी के संबंध में आज वाराणसी के एसपी महोदय से मिला रहे कि भाजपा के लोग थे, तो उसी प्रकरण में मैंने ये विवाद खड़ा हुआ ना, इसी प्रकरण में मैं विरोध किया, और मैं और मेरी पार्टी विरोध की, और जिस प्रकरण में मैंने लाइव चलाया उसी प्रकरण में मुझे फोन किया गया। क्या नंबर था उस नंबर का? ये नंबर है जिसका 8828। इस नंबर से मुझे फोन आया था, इस नंबर से धमकी दिया गया कि तुम नेतागिरी करते हो, तुम बोलते हो वहाँ पे बन रहा है भवन में निर्माण हो रहा है, तो उसमें तुम रोका रोकी करोगे, तुम्हारे पर फर्जी मुकदमा कर दिया जाए। आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी, थाना अध्यक्ष को प्रेरित किए हैं सारनाथ थाना को, और मैं 2 दिन का समय दिया हूं, अगर नहीं करते हैं तो इससे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। कोरोना टीकाकरण हेतु जिला महिला चिकित्सालय में चल रही तैयारियों का जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जायजा लिया। 16 जनवरी को जिला महिला चिकित्सालय में 100 लोगों को लगने वाले कोरोना वैक्सीन के संदर्भ में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी तैयारियों को बारीकियों से देखा, साथ ही इनमें कोई कमी न रह जाए इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान सीएमओ डॉ. वीबी सिंह, डॉ. एनपी सिंह, डॉ. नागेश्वर सिंह, एडीएम सिटी गुलाब चंद सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। टीकाकरण जिला महिला अस्पताल पे होना है, उनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सबसे पहला टीकाकरण होना है, क्योंकि ये निर्देश है भारत सरकार के कि जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिन्होंने ज़्यादा पेशेंट्स का ख्याल रखा है, जिन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क पे रख के कोविड पेशेंट्स की सेवा की है, सबसे पहले उन लोगों को लाभार्थी बनाया जाए। 4th क्लास के लोग हैं, उसके बाद क्लास 3, फिर क्लास 2, ये सारे हेल्थ वर्कर ही होंगे, और हेल्थ वर्कर और हॉस्पिटल से जुड़े हुए सेवा देने वाले लोग ही होंगे। उन्हीं 100 लोगों का पहले चयन किया गया है। इसके बाद जो इस जिला महिला अस्पताल में कर्मचारी बचेंगे उनका 2nd, 3rd और 4th डे में टीकाकरण कराया जाएगा, लेकिन इसी पहले अभियान में 4 दिन में ही टीकाकरण पूर्ण करा दिया जाएगा। पहला जो टीका लगेगा वो 4th श्रेणी कर्मचारी को लगेगा, और इसके उपरोक्त इसके बाद क्रम से व्यवस्था चलती जाएगी, पहले क्लास 4, फिर क्लास 3, फिर क्लास 2, और लास्ट में डॉक्टर्स। इस प्रकार से चारों प्रकार की कैटेगरी को शामिल करते हुए 100 की लिस्ट फाइनल की गई है। हिंदू युवा संगठन द्वारा लहरतारा महेशपुर क्षेत्र में खिचड़ी व कम्बल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिंदू युवा संगठन भारत के वाराणसी टीम द्वारा खिचड़ी भोज एवं कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन लहरतारा महेशपुर क्षेत्र में किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया, साथ ही जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय महासचिव कौशलेंद्र सिंह उपस्थित रहे। इनके साथ ही राजेश सिंह, शिखर जायसवाल, सोवन वर्मा, आयुष राय, समीर सिंह, हरि यादव, विशाल शर्मा, गौरव अग्रवाल, शिबू सिंह व सुनील कुमार उपस्थित रहे। हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रभक्त हिंदू युवाओं को संगठित करके हिंदू सेवा और धर्म रक्षा के लिए उनको तैयार करना। आज क्या कार्यक्रम है उसी के अंतर्गत? आज हिंदू युवा संगठन के वाराणसी के द्वारा समरसता खिचड़ी भोज एवं कम्बल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि जब तक सर्व समाज के राष्ट्रभक्त युवा हिंदू एक साथ बैठकर भोजन नहीं करेंगे
ये जातिवाद समाप्त नहीं होगा। जातिवादी खाई को पाटने के लिए समरसता तहरीर भोज और समरसता खिचड़ी भोज का आयोजन हिंदू पीड़ित में होगा। सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का जन्म दिवस मनाया। लंका क्षेत्र में समाजवादी पार्टी महानगर उपाध्यक्ष विजय मौर्य डब्लू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का केक काटकर जन्म दिवस मनाया। इस दौरान विजय मौर्य डब्लू ने कहा कि हम बाबा विश्वनाथ से डिंपल यादव के दीर्घायु की कामना करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जिस पर उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने 15/1/2021 को पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी एवं पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पत्नी आदरणीय श्री डिंपल यादव जी का जन्मदिन केक काट कर मनाया, जिसमें मुख्य रूप से हमारे साथी समाजवादी पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संजय प्रदर्शी जी, समाजवादी पार्टी की जिला सचिव रमेश वर्मा जी, काशीनाथ गुप्ता जी और अरुण मौर्या जी, अजय पटेल महानगर सचिव समाजवादी पार्टी और विकास बिंद जी, तमाम साथी उपस्थित हैं। और आज हम लोगों ने आदरणीय श्री डिंपल यादव जी पूर्व सांसद जी के जन्मदिन पर सन 2022 आगामी विधानसभा के चुनाव में केक काटकर और यह संकल्प लिया कि आज से समाजवादी पार्टी के लोग जब तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को फिर से उत्तर प्रदेश के मुखिया की गद्दी पर नहीं बिठा लेंगे, तब तक कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सिपाही नेता जो है आराम से बैठने का अपने घर पे काम नहीं करेगा। जय हिंद, जय समाजवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू नेचुरोपैथी के छात्रों ने 2 सूत्री मांगों के समर्थन में सेंट्रल ऑफिस पर किया धरना प्रदर्शन। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की सफलता हेतु काशीवासियों ने की प्रार्थना। नैपुरा क्षेत्र में आयोजित फ्री शील्ड कबड्डी एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पूर्व विधायक अजय राय ने की शिरकत। और बाबा विश्वनाथ के पूजन के साथ राम मंदिर निर्माण हेतु निधि संग्रह अभियान की हुई शुरुआत। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।